हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप लीग का मैच हो रहा है कोलंबिया वर्सेस इटली के बीच 2 घंटे 57 मिनट के बाद। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की। तो कोलंबिया और इटली में जो मैच हो रहा है, इसके अंदर मैं फेवर करूँगा गाइस डबल साइड को। ना ही मैं कोलंबिया के प्रॉपर साथ हूँ, ना ही मैं इटली के। लोग कह रहे हैं कि इटली जीतेगी, लेकिन कन्फर्मेशन मत लगा के बैठो, मैं पहले ही बता रहा हूँ जीतना तो किसी एक ने है ही, वो तो छोड़ दो, लेकिन कंफर्म थोड़ा है कि इटली टीम यहाँ पे इतनी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि कोलंबिया टीम अभी तक सबसे ज़बरदस्त फॉर्म में है और हाईएस्ट गोल कर रहे हैं वो टीम वाले, मतलब कोशिश कर रहे हैं, हाईएस्ट तो नहीं है। तो बात करें स्ट्राइकिंग, यहाँ पे लूंगा एम्ब्रोसिनो को। इटली का ये प्लेयर मेरे को 27 मई को काफ़ी अच्छा जिता के गया था, एक्चुअली ही वॉज माई कैप्टन एट दैट टाइम। सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मतलब प्रदर्शन रहा था इस खिलाड़ी का। एंड आगे से बात करें टी एंजल की, लास्ट मैच में बोला था ना चलेगा, पहली दो गोल भाई साहब पता चल जाता यार खिलाड़ी का, टॉमस एंजल मत ज़बरदस्त गेम प्ले, मतलब और किसी से एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, सिर्फ इससे थी। और जे टॉर्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये तो चलो आए चलाए खिलाड़ी हैं, आपने ले लिया तो चल गए, नहीं लिया तो ना चले, मतलब ये आप लो ना लो ये तो चलता है। लेकिन ये जो ऊपर के दोनों खिलाड़ी आप देख रहे हो ना स्ट्राइकिंग के अंदर, इनको नहीं छोड़ सकते भाई साहब आप। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ मिडफील्डिंग की, देन यहाँ पे लूँगा कॉर्शिस को। कॉर्शिस के अभी तक रेगुलर अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसराइल के खिलाफ पहले मैच में गोल असिस्ट, सेनेगल के खिलाफ गोल, और स्लोवेनिया के खिलाफ 2 गोल 1 असिस्ट, तो मतलब हर मैच में कुछ ना कुछ किया है। और वही सेम थिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गुस्चैवो से, बट गुस्चैवो ने दिल तोड़ दिया, और भाई एस्प्रिला को लेना पड़ रहा है आज के मैच में, क्योंकि एस्प्रिला अपनी गेम प्ले काफ़ी सुधार कर रहा है अपनी गेम प्ले में। और आगे से बात करें प्रैटी को, अगर आप लेना चाहते हैं यू कैन गो, बट आपके पास टी बिल्डेंजी जो आप खिलाड़ी देख रहे हैं ये आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, मेन रीज़न जो अगर आप बिल्डेंजी को लेने का पता क्या है, कि वो एक ऑस्ट्रेलियन क्लब की तरफ से खेलता है जो कि काफ़ी आगे है, और बिल्डेंजी को एक्सपीरियंस जो है मिडफील्डिंग का वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनदर प्लेयर्स। इसलिए मैं इस प्लेयर को लेके थोड़ा सा मतलब सीरियस था। एंड कैसेडी की बात करें, ये भी ख़तरनाक गेम प्ले भाई साहब, ब्राज़ील के खिलाफ 2 गोल, उसके बाद डोमिनिक रिपब्लिक के खिलाफ 2 गोल, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 1 गोल, मतलब उन्होंने तो जो गोल किए सो किए, इस खिलाड़ी ने जो गोल किए वो हर गोल बड़ी टीम के खिलाफ आया है, ब्राज़ील इंग्लैंड मतलब बड़ी बड़ी टीम्स। सो कैसेडी को यहाँ पर मैं लूँगा। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ डिफेंडिंग की, तो यहाँ पर मिनिमम 3 डिफेंडर मैं कहूँगा इटली के ले लो, ठीक है। बात रही घेरादी की, ये लास्ट मैच खेला नहीं था, तो घेरादी की जगह अभी मैं गुरिनो को सेव कर रहा हूँ। एस जेनोटी की बात करूँ, तो जेनोटी की वापसी हुई है लास्ट मैच में। और आगे से जो आपका 4th डिफेंडर है वो तो नीचे से हमारा रहेगा, जिसका नाम है रिकार्डो, क्योंकि रिकार्डो का रिकॉर्ड सच्ची में बहुत अच्छा है। एंड बात करें डिफेंडिंग की अपने कोलंबिया के डिफेंडर की, देन सेलेजर अच्छा है एक्चुअली। आप भी जानते हैं कि 2 बराबर की टक्कर की टीम के आज बीच मैच हो रहा है, तो इटली जीतती है या कोलंबिया ये हम नहीं जानते। एंड आगे से बात करें गोल कीपिंग की, देन यहाँ पर मैं गोल कीपिंग में लूँगा गाइज, जो मेरा फेवर रहेगा वो मैं करूँगा गाइज सबसे पहले। तो मतलब इटली को थोड़ा बहुत करा ही हुआ, पर तो मैं कोलंबिया के फिर भी गोल कीपर के साथ जाऊँगा। बात करें यहाँ पर कैप्टन की, कैप्टन जो हमारा है वो है गाइज सी कैसेडी, एंड वाइस कैप्टन जो हमारा है वो है कॉर्शियस। चाहने को आप एंजल भी रख सकते हो, एज एम्ब्रोसिनो भी रख सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग रिस्क, मतलब मैं रिस्क के साथ तो नहीं, आई एम नॉट गोइंग विद रिस्क। तो बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन तो पता चली गए आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।